हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि DSSB की PGT सोशियोलॉजी की वैकेंसी आई है, आप सभी लोग फॉर्म भर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले तो इसके बारे में जानते हैं, इसके लिए कौन सी बुक आपको सही रहेगी। मार्केट में इसकी बुक बहुत ही मुश्किल से मिलती है, जो भी मिलती है गाइड मिलती है, लेकिन PGT के पर्पज से एक सबसे अच्छी बुक है जो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, वो है समाजशास्त्र की घटना चक्र की बुक है। और इसमें बहुत ही अच्छे कंटेंट है, इसने हर एक परिप्रेक्ष्य को 100% तक छुआ है। तो अगर आप इसका प्रोडक्शन तो बाजार में बंद हो गया है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है कई जगह पे। अगर आपके मार्केट में नजदीकी क्षेत्र में ये बुक नहीं आपको मिलती है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका प्राइस 350 से 400 तक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र क्या है? यह एक सामाजिक दर्शन है, सामाजिक विज्ञान है, समाज सुधार आंदोलन है या समाजवाद का एक प्रकार है? इसका सही उत्तर है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, जो कि समाज के समस्याओं को एक वैज्ञानिक ढंग से देखता है और इसका अध्ययन करता है। यह सामाजिक विज्ञान के रूप में 100 वर्ष पुराना हो चुका है। जैसे कि आप समाजशास्त्र के विशेषताएं पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये बताता है कि जो समाजशास्त्र है वो समाज के बारे में सिर्फ टिप्पणी देता है, ना कि उनकी समस्याओं का समाधान करता है। समस्याएं तो बताता है, लेकिन उसका इलाज नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। ये शब्द क्रमशः संबंधित हैं। तो आप सभी को पता होगा, ये शब्द क्रमशः लैटिन और ग्रीक भाषा से संबंधित है। सोशियस यानी कि समाज, और लोगस जो कि यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब है अध्ययन करना। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोसाइटस एवं लोगस। इन दोनों शब्दों में से लोगस शब्द किस भाषा का है? यही एकदम क्वेश्चन UPPGT में पिछली बार 2016 का जो पेपर हुआ था, इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था और इसको कई लोग गलत करके आए थे। इसे आप देख लीजिए, जो लोगस शब्द है वो अभी हमने बताया कि यूनान अथवा ग्रीक भाषा का शब्द, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना। निम्नांकित में किसका नाम समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा है? ये दुर्किम, पी सोरकिम, LT हॉबहाउस या जॉर्ज सीमेल। रूपात्मक संप्रदाय के जो प्रवक्ता थे वो थे जॉर्ज सीमेल और टॉनिज भी थे। इनका परिपेक्ष था, या समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में बताना चाहते थे, और इस संप्रदाय के सदस्य थे वीरकांत, वानवीज, बूगल, मैक्स वेबर, रॉस, पार्क और बर्जिश। स्वरूपात्मक संप्रदाय में कौन संबंध रखता है? तो इसका संबंध वीरकांत से है, मैक्स वेबर से है। निम्न में समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंधित हैं? शिकागो विश्वविद्यालय से जिनका संबंध है वो है ए स्मॉल। यही शिकागो विश्वविद्यालय जो है, यहीं पे ही समाजशास्त्र का सर्वप्रथम 1892 में इसकी स्थापना हुई थी। इस विभाग में ही शोध अध्ययन प्रारंभ हुआ था। यहीं पे सर्वप्रथम गरीबी और अपराध के बारे में चर्चा की गई थी, यानी कि उसके शोध के बारे में शुरुआत की गई थी। यही वो क्षेत्र है जहाँ पे नरजाति विज्ञान, परिस्थितिकी एवं विधियों का प्रयोग कर शोध अध्ययन को नया आयाम दिए गए थे। इसी संप्रदाय में अंतःक्रियावाद परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ था। इस संप्रदाय के संस्थापक एल्विन स्मॉल थे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, ये कहा था हॉबहाउस ने। मैक्स वेबर जी ने यह कहा था कि समस्त मानवीय गतिविधियां क्रिया से संबंधित होती हैं, और मैकेवर एवं पेज ने कहा था समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का विज्ञान कहा जाता है। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए, ये कहा था वीरकांत जी ने, जो कि रूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है, जिसके संस्थापक सीमेल जी हैं। अगला है,
समाज शास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। यह परिभाषा जो है ह्यूबर की है। इसके अलावा जिन्सबर्ग ने कहा था कि समाज शास्त्र मानवीय अंतःक्रिया और अंतः संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है, तथा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों की प्रकृति का अध्ययन करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से समाज शास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, जो कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से ही करता है। समाज शास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाज शास्त्र की उपयोगिता समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि है। समाज शास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है। यह कथन दुर्खिम द्वारा व्यक्त किया गया था। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? तो यह सामाजिक व्यवस्था को समझने से संबंधित है। किसने कहा कि समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होना जा रहा है अपितु पहले से ही है, किंतु उल्लेखित सीमाओं के अंदर? यह कथन सोरोकिन जी का है। रूसी समाजशास्त्री पैट्रिक ए सोरोकिन ने अपनी पुस्तक ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी में कहा कि समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही है, किंतु उल्लेखित सीमाओं के अंदर। चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अध्ययन अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हो, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाज शास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाले विद्वान कौन है? विचार रखने वाले विद्वान मैकी जी हैं। समाज शास्त्र की विषय वस्तु की सामान्य रूपरेखा को चार भागों में बांटा है। समाज शास्त्रीय विश्लेषण, सामाजिक जीवन की मूल इकाइयां, सामाजिक संस्थाएं एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। निम्नांकित में किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का समन्वयकरण मूलक विज्ञान है? यह कथन सोरोकिन जी का है। राजनीति क्षेत्रों से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जिन्सबर्ग जी का है। इन्होंने मोटे तौर पर यह कहा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के प्राणी शास्त्रीय सिद्धांतों तथा सुधार के लिए होने वाले उन सभी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन पर आधारित है। उन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। जिन्सबर्ग के इस कथन को स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विज्ञान के जैविक सिद्धांत ही उत्तरदायी है। यानी कि इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र से ही इसकी उत्पत्ति तो मानी ही मानी है, साथ में जैविक सिद्धांत को भी उत्तरदायी माना है। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन मैक्स वेबर जी का है। वेबर ने पद्धति शास्त्र के रूप में ही इसे समाजशास्त्र को परिभाषित किया था। समाजशास्त्र को पद्धति विज्ञान पर वेबर का विचार उनकी कृति इकोनॉमिक एंड सोसाइटी के प्रथम अध्याय में देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें समाजशास्त्र मानवीय सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। यह कथन अर्नॉल्ड डब्ल्यू ग्रीन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी में लिखा है कि समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। आज की वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।